देखिए बारिश की वजह से कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो कंप्लीट तो कर देंगे सब कुछ, जो ऑर्डर लिया है सब कंप्लीट करना है। ऑर्डर इस बार कैसे मिले हैं, कितने दिनों पहले ऑर्डर मिल गए थे? फिलहाल हालात के हिसाब से 4 महीना पहले ही ऑर्डर देना चाहिए सबको, ऐसा हालात हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, 1-1.5 महीना पहले ऑर्डर लेने से कंप्लीट हो जाता था, अभी ऐसा हालत में 4 महीना पहले से ही लेना चाहिए। अभी जैसे 7 तारीख को गणपति की स्थापना है, मात्र 4-5 दिन बचे हैं, मतलब किस प्रकार से आपको मेहनत? ऑर्डर तो हमारी बंद हो गया तो पहले से ही, और जो अनकम्प्लीट है वो सब कम्प्लीट इमिडिएटली करना है। डिमांड तो ऐसे है तो बहुत ज्यादा है, डिमांड का ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, गणपति तो जो बिठाना चाहे दूसरा आदमी बिठाता है। डिमांड तो बहुत है लेकिन भाव थोड़ा टाइट है, भाव भी ज्यादा बढ़ रहा है, पिछले साल से देखने जाए तो 20-25% बढ़ ही रहा है, भाव कम नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, महीने महीने भाव बढ़ता है, ऐसा हर साल भाव बढ़ रहा है। जी हमारा ग्रुप पिछले 3 साल से हम ये गणेश फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं, तो लास्ट साल से मुकाबले ये साल थोड़ा मिट्टी का प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है, 40-50% दाम बढ़ गया है पिछले साल के मुताबिक। जी हमने ऑर्डर 6 महीने पहले ही किया था और हमको ऑर्डर डिलीवरी 6-7 दिन पहले मिल गई। हम ये मूर्ति का डेकोरेशन करते हैं, हमारा काम इतना बढ़ गया है ना, तो हम पूरे फैमिली हम साथ में करते हैं, पूरी नाइट जाग के हम करते हैं, ये सामान सब हम खुद बनाते हैं, बहुत महंगा है ना, तो ये सब सामान लेके हम खुद बनाते हैं, वो ब्लॉज वो इतना बड़ा काम है ना, तो हम पूरी नाइट जाग जाग कर वो सब हम बनाते हैं। हाँ पिछले साल की तुलना में कितना महंगा हुआ? बहुत ज्यादा महंगा, उसका भाव पूरा बढ़ गया है ना, तो हमको इतना बड़ा महंगा घीता है ना, तो हम खुद सामान थोड़ा पेट बना के खुद बाहर से लेते हैं और खुद हम खुद बनाते हैं। 100 मूर्ति तो हम वो मंगल मूर्ति बना के आए और फिर इधर इधर घूम के बीजे दूसरे गोदाम पे जाते हैं, हम इतना काम है ना, तो हम काम करते थक जाते हैं। अभी 4-5 दिन का काम बाकी है और सब लोग मांगते हैं, हम कैसे काम करते हो हम खुद जानते हैं।